हे माय लेडी लव, वेलकम बैक टू माय चैनल नियॉन स्टाइल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा शॉपिंग हॉल। मैंने जो भी ड्रेसेस खरीदे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट यस, मैं आज आप लोगों के साथ वो सारे ड्रेसेस शेयर करूंगी। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को अभी स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले, इफ यू आर सीइंग माय फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देन हाय हेलो, आई एम स्नेहा एंड आई मेक बजट ब्यूटी कॉन्टेंट इन दिस चैनल। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो द फर्स्ट ड्रेस आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू इज अ ब्लैक ड्रेस। ये एक ऑल ब्लैक ड्रेस है। बेसिकली इसके ऊपर एक जैकेट आती है एंड ये कंप्लीट एक गाउन काइंड ऑफ ड्रेस है, तो जो कुछ इस तरीके से दिखती है। इसके ऊपर इस तरीके से कुछ काम किया हुआ है एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड ये एकदम जेट ब्लैक। इसका जो मटेरियल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। सो यस, ये ऐसे है एंड ये राउंड नेक पे आती है। मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। येस, लाइक दिस। एंड इसकी स्लीव्स जो है ये कुछ इस तरीके का है। स्लीव्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा है मेरे साइज़ के हिसाब से, बट येस, आई विल लेटर ऑन ऑल्टर करवा लूंगी मम्मी से। सो येस, ये है इसकी स्लीव एंड ये है कंप्लीट ड्रेस। आई होप मैं आपको ठीक से दिखा पा रही हूँ। येस, दिस इज द ड्रेस एंड ये इतना लंबा आती है। सो येस, दिस इज इट एंड इसके ऊपर पहनने के लिए ऐसे एक जैकेट आती है। दिस इज़ हाउ द जैकेट लुक्स लाइक। ये एक बहुत ही प्यारा सा जैकेट है। मुझे इसके ऊपर जो काम करा हुआ है बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सो येस, दिस इज़ हाउ द जैकेट लुक्स लाइक एंड इसके सामने से जो है ऐसे दो ऐसे धागे निकलते हैं जिससे आप इसको सामने से टाई कर सकते हो, लाइक दिस। तो ये ओवरऑल लुक इसका इस तरीके से आती है। तो इसका जो ऊपर का पार्ट है वो कुछ इस तरीके की है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गॉर्जियस। मुझे ये एकदम पहली नज़र में, बोलते हैं ना, प्यार हो जाना, ऐसा हो गया था इस ड्रेस के साथ। एंड यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, गोटा पट्टी। यस, ये इसको गोटा पट्टी बोलते होंगे शायद। तो ये गोटा पट्टी का यहाँ पे काम करा हुआ है एंड ये कॉलर इसका इस तरीके से बना हुआ है एंड इसका भी साइज़ यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ है। तो मुझे इसको भी ऑर्डर करवानी पड़ेगी मेरी मम्मी से, बिकॉज़ यहाँ पे जो है ये वाली ड्रेस की मुझे और साइज़ नहीं मिल रही थी। ये मैंने ऑफलाइन शॉपिंग की है अपने घर के पास के मार्केट से। तो यस, मुझे यहाँ पे इसकी जो है साइज़ ऑप्शन ज़्यादा नहीं मिल रही थी, तो मैंने इसी को उठा लिया। एंड यस, दिस इज़ अगेन द स्लीव्स। ये एकदम इतना 3/4 स्लीव्स जिसे बोलते हैं वैसा आता है। तो ये कम्प्लीट एक लॉन्ग कुर्ती काइंड ऑफ थिंग है जो कि पूरा ही ऐसे वर्क करा हुआ है एंड इसके सामने, मतलब इतने तक का जो हाफ पोर्शन है उस पे ऐसे ब्लैक स्टोन्स लगे हुए हैं। आई होप यू कैन सी। यस, यहाँ पे ऐसे ब्लैक स्टोन्स लगे हुए हैं एंड इसके नीचे का जो स्कर्ट है, मैं दिखाती हूँ। तो इसके नीचे का जो स्कर्ट है वो कुछ इस तरीके की है। दिस इज़ हाउ द स्कर्ट लुक्स लाइक। ये ब्यूटीफुल वाइट कलर में है, एकदम कंप्लीट मिल्की वाइट कलर में इसका स्कर्ट है एंड स्कर्ट के नीचे का जो पोर्शन है ऐसे यहाँ पे वो सेम जो ऊपर का जो पोर्शन था उसी के कपड़े का ये नीचे जो है एक बॉर्डर बना हुआ है। दुपट्टा भी इसका सेम ही है, मैं फिर भी खोल के आपको दिखा देती हूँ। ये एक बेसिक प्लेन दुपट्टा है विद सेम प्रिंट, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप देखो कितना प्यारा लग रहा है। सो यस, दिस इज़ हाउ द दुपट्टा लुक लाइक। नेक्स्ट मैंने परचेज़ की है एक फ्रॉक या हाँ मैक्सी ड्रेस, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो इसे, या एक ड्रेस काइंड ऑफ मटेरियल है ये। तो ये भी मैंने अपने लोकल शॉप से परचेज़ की है, घर के सामने की मार्केट, एंड इट्स कॉस्ट। अच्छा, मैंने पिछले दो ड्रेस की प्राइस जो है वो बताना भूल गई, तो आई विल मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मैं स्क्रीन पे भी लिख सकती हूँ। तो इस ड्रेस की जो प्राइस है ये है 500 एंड दिस इज़ हाउ द ड्रेस लुक्स लाइक। ये इस तरीके की एक नेक कटिंग पे आती है। स्लीव्स इसका एकदम छोटा है एंड हाफ स्लीव है ये एंड नीचे जो है ऐसे बेल्ट टाइप की डिज़ाइन मिल जाती है। इसकी जो प्रिंट है ना, एक फ्लोरल प्रिंट है ब्लैक के ऊपर, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। बहुत ही खूबसूरत एंड ब्राइट सा लग रहा है। इसका जो कलर है फ्लोरल प्रिंट का कलर, ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लग रहे हैं एंड नीचे एकदम ऐसे, मतलब ये तो हाफ पोर्शन हो गया एंड स्कर्ट के सेक्शन में जो है ऐसे रैफल टाइप की बनी हुई है जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट बना रही है इस ड्रेस को। ऐसे इसमें जो है रैफल्स आपको मिल जाती है एंड नीचे भी है इसका वही सेम रैफल काइंड ऑफ डिज़ाइन। साइड्स में तो मैं पिक्चर डाल ही दूंगी कि पहनने के बाद ओवरऑल लुक जो है वो कैसा आ रहा है, बट स्टिल आई एम शोइंग यू दिस। तो ये है मेरा थर्ड नंबर ड्रेस। नेक्स्ट मैंने कुछ कुर्तीज़ की शॉपिंग करी हुई है, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द फेस्टिवल। फेस्टिवल्स के बाद भी हमें पहनने के लिए एंड स्पेशली वीडियो में पहनने के लिए बहुत सारे ड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं कुछ कुर्ती शॉपिंग कर लेती हूँ। जैसा मैंने बताया कि कुर्तीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा फैशन में है एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है समर्स के टाइम पे पहनने के लिए या किसी भी कैजुअल टाइम पे पहनने के लिए। सो मैंने कुछ जो 4-5 है कुर्ती भी शॉपिंग कर ली है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड ये जो कुर्तीज़ है ये मैंने मैक्स से ली है, तो आप इसको एक मिडिल मिनी मैक्स हॉल भी
बोल सकते हो, जो बीच में मैं कुछ मैक्स की कुर्ती दिखाने वाली हूँ। ये सारे ही बीच का जो कुर्ती अभी मैं शो करूंगी ये मैक्स से मैंने परचेस करी है एंड इनका प्राइस भी मैं साथ के साथ बोलती जाऊंगी। सो द फर्स्ट कुर्ती इज दिस वन, ये एक लॉन्ग कुर्ता है एंड इसका प्रिंट ओ माई गॉड मुझे इतना ज्यादा यूनिक लगा एंड इतना ज्यादा पसंद आया ना, मैंने झट से इसको देखते ही पिक कर लिया। एंड यस, इसमें मेरी साड़ी जो साइज है वो है स्मॉल, तो अगर आप मेरे जैसे फिगर की हो या आपकी बॉडी शेप मेरे बॉडी शेप से मिलती जुलती है देन दिस साइज इज परफेक्ट फॉर यू। मैक्स की मैं बता रही हूँ एंड इसका जो क्या बोलते हैं प्राइस है ये है 500 की कुर्ती। तो दिस इज अ वेरी यूनिक एंड वेरी नाइस कुर्ती। इसके गले के सामने से ऐसे बटन आ जाती है, चाइनीज कॉलर है इसकी एंड ये पूरा लॉन्ग कुर्ती है एंड स्लीट है साइड में से, जो कि मुझे और ज्यादा कटवाने पड़ेंगे बिकॉज मैं थोड़ा सा हाई स्लीट की ड्रेसेस पहनती हूँ या कुर्तीज पहनती हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट वन मैंने परचेस की है, एक फ्लोरल प्रिंट वाली कुर्ती जो कि मुझे बहुत ज्यादा अगेन यूनिक लगी। इसकी प्रिंट सारे ही प्रिंटेड प्लेन प्रिंटेड कुर्ती है। तो यस, दिस इज द सेकंड कुर्ती, कुछ इस तरीके से है ये कुर्ती एंड यस यहाँ पे ऐसे फ्लोरल प्रिंट है ओवरऑल इस तरीके से। ये भी सेम क्या है इसका कॉलर साइज, यस चाइनीज कॉलर जिसे बोलते हैं वैसा आता है एंड स्लीव्स इसका इस तरीके से है, यहाँ पे बटन लगा हुआ है। सो यस, दिस इज द कुर्ती कि मैंने परचेज करी है, ये भी अगेन फ्रॉम मैक्स एंड दिस इज ऑल्सो इन द साइज स्मॉल। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो है साइज मेंशन करा हुआ है। सो दिस इज द कुर्ती, ये भी एक बहुत ही प्यारा, ये वी नेक में आती है एंड इसकी स्लीव्स जो है इस टाइप के है, बहुत ही ज्यादा प्यारा इसका प्रिंट है। आप देखो एक बार, मुझे इतना ज्यादा पसंद आया ना इसका प्रिंट, ये ओवरऑल इस तरीके से है लाइक दिस एंड पीछे से भी ये बिल्कुल सेम ही है ऑलमोस्ट। सो यस, दिस इज हाउ द कुर्ती लुक्स लाइक, मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया एंड इसकी मटेरियल इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि मैं बता नहीं सकती। सो यस, अच्छा इसका प्राइस, इसका मैंने प्राइस बताना भूल गई, आई थिंक मैंने इसका टैग कट कर दिया है, ये 500 या 600 का ही होगा, मतलब 600 के नीचे ही होगा, 500 या तो 600। ओके, नेक्स्ट जो कुर्ती मैंने परचेज करी है वो है एक कॉलर कुर्ती, इसमें ऐसे कॉलर बने हुए हैं, एक मिनट, यस सो दिस इज द कॉलर कुर्ती। ये भी एक बहुत ही बेसिक बट यूनिक कुर्ती है, इसमें ऐसे कॉलर एंड बटन्स बने हुए हैं पूरा एंड स्लीव्स इसका कुछ इस तरीके से है। दिस इज हाउ द कुर्ती कम्प्लीटली लुक्स लाइक, ये भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया देखते ही, तो मैंने इसको ले लिया। ये एकदम लास्ट तक बहुत ही ज्यादा डार्क शेड में चली जाती है एंड ऊपर का जो सेक्शन है एक लाइट में लाइट कलर में, मतलब व्हाइट के ऊपर ब्लैक चेक देन ग्रे के ऊपर ब्लैक देन और थोड़ा डार्क ग्रे एंड ऐसा करते करते ये ब्लैक तक चली जाती है। सो यस, दिस इज हाउ द कुर्ती लुक्स लाइक, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी ये वाली कुर्ती। नेक्स्ट एंड द लास्ट कुर्ती, इसके बाद मैं और कुर्ती आपके साथ नहीं शेयर करूंगी, आई स्वेयर, मतलब इस वीडियो के लिए तो बहुत हो गया कुर्ती कुर्ती। सो यस, द कुर्ती इज दिस वन, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत प्रिंट में है, यू कैन सी यस दिस वन, बहुत ही खूबसूरत प्रिंट है इसकी एंड इसका नेक कुछ इस तरीके से है एंड इसकी स्लीव जो है ये अगेन यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, दो बटन लगा हुआ है इनफैक्ट एंड ये भी पूरा लॉन्ग ऐसे जाती है इस तरीके से है ये। सो यस, आई एम जस्ट लविंग ऑल माई कुर्तीज, जितना भी मैंने अभी खरीदी है इस बार, तो बस अभी कुर्ती कुर्ती बहुत हो गई। अभी मैं अपने नेक्स्ट ड्रेस के तरफ आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैंने स्पेशली फेस्टिव सीजन के लिए खरीदी थी। सो नाउ द ड्रेस इज समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे नेट का काम करा हुआ है एंड नीचे इसका ऐसे एक बॉर्डर मिल जाती है जहाँ पे मिरर वर्क करी हुई है एंड दिस इज अ रियल मिरर, ये फॉल्स जो फॉइल आती है वो नहीं है एकदम, आई होप आपको आवाज आ रही होंगी। तो ये एक रियल मिरर का काम करा हुआ है एंड फिर नीचे जाते जाते ये पूरा इस तरीके की हो जाती है एंड यहाँ पे जो है ऐसे फ्लोरल प्रिंट वाली अंदर का जो कपड़ा है वो ऐसा है एंड साइड में जो है ऐसे स्लीट्स बने हुए हैं इस तरीके से एंड इसके एकदम नीचे ऐसे आपको डिजाइन मिल जाती है लाइक दिस। इसका डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है इसका डिजाइन, वेरी नाइस, मतलब ये ड्रेस मुझे बहुत ही ज्यादा यूनिक लगा। सो यस, दिस इज हाउ द ड्रेस लुक्स लाइक। नेक्स्ट मैंने एक साड़ी परचेज करी हुई है, जो साड़ी है बहुत ही ज्यादा क्लासिक एंड दिस इज हाउ द साड़ी लुक्स लाइक, मैं सीधा दिखा रही हूँ या उल्टा, यस दिस इज हाउ द साड़ी लुक्स लाइक एंड ये आंचल का साइड है, पल्लू का साइड है ये बेसिकली एंड यहाँ पे ऐसे आपको टैसल्स मिल जाती है ब्लैक कलर में एंड यहाँ पे ऐसे गोल्डन जो है बॉल्स डाले हुए है, गोल्डन बॉल्स डाले हुए हैं एंड ये जो पूरी साड़ी है बिल्कुल इसी तरीके से जाती है। इस साड़ी के साथ मैंने एक मेकअप लुक भी क्रिएट करी हुई है, सो यस आई विल शेयर विथ यू दैट वेरी सून। सो यस, ये है मेरी कंप्लीट हॉल, ये देख सकते हो आप, साड़ी पूरा ऐसा ही है।
नेक्स्ट मैंने परचेज करी है ये वाली एक बेबी पिंक टॉप। ये बेबी पिंक नहीं है, ये एक फुशिया पिंक टॉप है। बहुत ही प्यारा सा एक टॉप है, क्यूट टॉप है ये। ऐसे इसकी जो स्लीव्स है कुछ इस तरीके की राइफल स्लीव्स है एंड बहुत ही मुझे प्यारा लगा। एंड इसमें जो है व्हाइट स्टार्स बने हुए हैं। कपड़ा जो है बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड ये मैंने पैंटलून से ली थी, इसकी प्राइस मुझे पड़ी थी 600 रुपीज। यस दिस वन। एंड ये पूरा इस तरीके की है। एंड इसका जो नीचे है ऐसे दो आपको धागे मिल जाते हैं इसको नीचे से ऐसे टाई करने के लिए। सो यस दिस इज हाउ द टॉप लुक्स लाइक। इसके बाद मैंने पैंटलून से और एक ड्रेस खरीदी है विच इज दिस वन। ये एक कुर्ती ड्रेस काइंड ऑफ थिंग है। ये एकदम डार्क रोज पिंक कलर में है। इसका प्रिंट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। सो दिस इज हाउ द ड्रेस लुक्स लाइक। ये बिल्कुल इस तरीके से है एंड पूरा लॉन्ग है। इसकी जो स्लीव्स है यहाँ पे जो है आप इसको ऐसे फोल्ड करके फिर यहाँ पे बटन लगा सकते हो। सो यस इस तरीके की है ये ड्रेस। एंड इसकी जो प्राइस है ये मुझे पड़ी है 700 रुपीज। सो जितना मैं प्राइस हो सकती है बता रही हूँ एंड जो प्राइस मैं नहीं बता पा रही हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी या तो मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी। सो यस दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज हॉल वीडियो एंड आई रियली होप आपको जो ये हॉल है बहुत पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को थम्स अप देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड आई विल मीट यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग बी हैप्पी। बाय बाय।